स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। खबर सबसे पहले महादेव ऐप के मामले में आरोपियों की पेशी आज की गई है। आरोपियों को लेकर ईओडब्ल्यू कोर्ट पहुंची है और आरोपियों की रिमांड की मांग ईओडब्ल्यू की तरफ से की जा सकती है। सुनील दम्मानी, सतीश चंद्राकर कोर्ट में पेश किए गए हैं। इसके अलावा आरोपी चंद्रभूषण वर्मा को कोर्ट में पेश किया गया, साथ ही शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह को भी पेश कोर्ट में किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महादेव ऐप घोटाले के मामले में ये कार्रवाई अब की गई है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया लेकिन एक शराब घोटाला और दूसरा महादेव घोटाला, किस मामले में ये पेशी हुई है? महादेव घोटाले के मामले में भी पेशी हुई और क्या शराब घोटाले के मामले, क्योंकि शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह को भी आज पेश किया गया। रिमांड भी लिया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तारी भी उनकी की गई है। त्रिलोक ढिल्लन को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उसे भी कोर्ट में पेश किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो महादेव सट्टा ऐप के जो तीन आरोपी हैं उनका उन्हें पहले भी जेल में दाखिल किया गया था और क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जांच में तेजी की है तो इसलिए उनके बयान है और एविडेंस बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनको धरपकड़ पुलिस को करनी है, तो उसके लिए आज जो तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, अब उसे कोर्ट से रिमांड में लेने की जो कवायद है एसीबी ओडब्ल्यू की टीम है वो करेगी, ताकि अन्य जो नाम है, क्योंकि जो एसीबी ओडब्ल्यू ने नए मामले दर्ज किए हैं उनमें बहुत सारे जो आरोपी हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी भी जिनकी संलिप्तता महादेव सट्टा ऐप को लेकर के पाई गई है, तो उन्हें भी नोटिस बकायदा जारी किया गया है, उनसे भी पूछताछ तो होगी। लेकिन अन्य जो आरोपी हैं जो महादेव सट्टा ऐप का संचालन करते थे, पैसा लेन देन का काम करते थे, खाता किनके अकाउंट में चलता था, तमाम ऐसे जो एविडेंस है और आरोपियों की धरपकड़ भी फिलहाल पुलिस को करनी है, तो तीन आरोपियों को आज एसीबी ओडब्ल्यू ने के विशेष जो निवेदन पर कोर्ट में पेश किया गया है। और सीधी बात है, इन तीनों आरोपियों की रिमांड है वो पुलिस लेगी ताकि आगे की जांच है वो की जा सके और किस तरह के जो पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई गई है, पहले में से भी जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं जेल में बंद हैं, तो ऐसे में और भी इनकी संलिप्तता किस तरह से रही है वो उजागर हो पाएगा। फिलहाल आज जो एसीबी ओडब्ल्यू की टीम है उनसे जो न्यायालय से उन्हें रिमांड लेने की जो बात है वो रखेगी जेल। शराब कारोबारी को भी आज पेश किया गया, क्या महादेव ऐप मामले में ही ये पेशी हुई है? ये बिल्कुल, देखिए एपी त्रिपाठी की जो रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई है तो उसे पेश किया गया है। इसके अलावा त्रिलोक ढिल्लन है उसे गिरफ्तार करके लाया गया है, कल उसे डिटेन किया गया था, उसके बाद आज उसे न्यायालय में पेश किया गया है और त्रिलोक ढिल्लन को भी रिमांड में ले सकती है एसीबी ओडब्ल्यू की टीम। इसके अलावा जो एपी त्रिपाठी है जिसे बिहार से गिरफ्तार किया गया था तो उसकी रिमांड की अवधि खत्म हुई है, तो उसे भी अगर उनकी पूछताछ पूरी हो गई है तो वो न्यायालय को बताएंगे और हो सकता है उन्हें जेल भी भेज दिया जाए या फिर पूछताछ या कुछ क्लू मिले होंगे तो उसे फिर से रिमांड में लिया जा सकता है। उम्मीद है कि एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन जो इन्हें फिर से रिमांड में लिया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करेंगे। सूरजपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। शादी समारोह से ये नाबालिग जब लौट रही थी तो दोस्त के साथ ये लौट रही थी और नाबालिग से गैंगरेप किया गया 8 लोगों के द्वारा। जंगल में ले जाकर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जयनगर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का काम किया है। वहीं बलरामपुर की बात करेंगे जहां पर बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। 400 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
झारखंड से छत्तीसगढ़ ये नशीले इंजेक्शन लेकर आए थे। अंबिकापुर में इंजेक्शन खपाने की तैयारी थी। पस्ता क्षेत्र से पुलिस ने घेराबंदी कर इन लोगों को दबोचा है। और अब कुछ सियासी खबरों की बात कर ली जाए तो लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में सियासी दल एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पोस्टर वॉर चल रहा है और ये बीजेपी की तरफ से करारा जो एक प्रकार से निशाना वो लगाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को लगातार निशाने पर रखा जा रहा है पोस्टर वॉर के जरिए। मुस्लिम तुष्टीकरण पर पोस्टर जारी कर दिया गया है और एक कार्टून जो है उसे जारी किया गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है और ये लिखा है कि लोगों से संसाधन कांग्रेस छीनने की फिराक में है। अल्पसंख्यकों को ये संसाधन देने की मंशा है कांग्रेस की। सैम पित्रोदा के विरासत वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस को घेरा गया है। और वहीं कांग्रेस पर अरुण साहब जो हैं वो अब निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आम लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर अब टिक गई है। कर्नाटक में कांग्रेस का हिडन एजेंडा नजर आया है। लोगों की संपत्ति मुसलमानों को देने की मंशा है, ऐसा अरुण साहब कह रहे हैं। तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये भी कहा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, इसी नारे को लेकर निशाना साधा गया है। संविधान बदलने की मंशा से ये नारा दिया गया है। ये कांग्रेस का कहना है संविधान को बदलने की तैयारी, संविधान बदलने वाले हैं जनता समझ चुकी है और बीजेपी ऐसे में अब 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। संविधान जिंदाबाद था और संविधान जिंदाबाद है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मंच पे खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते थे। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं संविधान के साथ, संविधान को बदलना चाहते हैं। पहुंचे हैं सीएम, पूर्व सीएम और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जो हैं, उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रमन सिंह कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी, अब राजनांदगांव से बघेल को करारी हार मिलेगी, जनता उन्हें नकार चुकी है। लोकसभा का चुनाव के पहले आम जनता इसको बोल रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार हो रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, परचम लहराएगा और राजनांदगांव के कवर्धा हो या पंडरिया हो या राजनांदगांव लोकसभा कीर्तिमान स्थापित करेगा। भूपेश बघेल निश्चित रूप से विधानसभा में चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट किया है, अब राजनांदगांव की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की बात कर लें तो कल मतदान होना है, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान है, राजनांदगांव भी इसमें एक सीट है। तमाम दलों के नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है। कल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग है, राजनांदगांव में वोटिंग है, महासमुंद में वोटिंग है, कांकेर सीट पर भी वोटिंग है और मतदान के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, खासकर कुछ नक्सल अफेक्टेड एरिया जो है वहां पर और खास इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर मतदान दल जो हैं वो रवाना हो रहे हैं।
अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोंडा गांव की तस्वीर, कांकेर की तस्वीर और इसके अलावा कवर्धा की तस्वीर और महासमुंद की तस्वीर। कवर्धा जो है दरअसल वो राजनांदगांव लोकसभा सीट में ही आता है और इस लिहाज से तीन सीटों पर दरअसल मतदान होने वाला है जिसमें महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। राजनांदगांव वीआईपी सीट मानी जा रही है। इसके अलावा महासमुंद क्योंकि ताम्रध्वज साहू को यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया है। और इसके अलावा अगर कांकेर की बात कर ली जाए तो कांकेर में भी कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला जो है कांकेर में भी होगा क्योंकि यहाँ पर भोजराज नाग बनाम वीरेश ठाकुर पिछली बार भी कांकेर से चुनाव लड़े थे और बहुत मामूली अंतर था, लेकिन इस बार भोजराज नाग को टिकट दिया है। और राम मंदिर में जब कार्यक्रम हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का, तब भोजराज नाग को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। गुनिया के रूप में भी वे काम करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से भी उनकी एक छवि बनी हुई है। वीरेश ठाकुर लेकिन कड़ा मुकाबला उनको दे रहे हैं। और चुनावी माहौल है और पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल यानी कि 26 अप्रैल को ये पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है क्योंकि कल छत्तीसगढ़ के तीन हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव है जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे थे। महासमुंद सीट की बात कर ली जाए, कांकेर सीट की बात कर ली जाए या फिर राजनांदगांव सीट की बात कर ली जाए, यहाँ पर वोटिंग है और तीन सीटों पर करीब 52,84,000 ज़्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। महासमुंद से सबसे ज्यादा 17 प्रत्याशी मैदान में है, राजनांदगांव से 15 प्रत्याशी मैदान में है, कांकेर से 9 कैंडिडेट्स मैदान में है। राजनांदगांव की सीट हाई प्रोफाइल है, इस पर सबकी नजर है। यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में है, उनके सामने बीजेपी के संतोष पांडे जो एमपी हैं यानी सांसद हैं, फिर से रिपीट किया गया है, वो मैदान में है। महासमुंद की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से रूप कुमारी चौधरी को पार्टी ने मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद ताम्रध्वज साहू जो हैं वो मैदान में हैं और कड़ी टक्कर उनसे मिलने वाली है। कांकेर की बात करें तो बीजेपी ने भोजराज नाग को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस के वीरेश ठाकुर के बीच उनका मुकाबला है। तीनों सीटों पर सियासत के योद्धा लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया है। इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के आदेश को शिथिल करते हुए आदेश जारी किया है। बताएं कि बीजेपी ने सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच का वायदा किया था, लेकिन जब तक बैन लगा हुआ था तब तक सीबीआई जांच नहीं कर सकती थी, तो इसलिए बैन हटाने का काम हुआ क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि पहले बैन तो हटा लेते, तो अब बैन हटाने का काम अब हुआ है। और बैन हटाने के बाद बिरनपुर हत्याकांड जैसा मामला या सीजीपीएससी मामले की जांच जो है वो शुरू हो जाएगी। जांजगीर चांपा में प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। कटौत गांव के पास, बता रहे हैं आपको, तालाब के पास जो मूर्ति है उससे छेड़छाड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये उपद्रवियों की तस्वीर कैद हो गई। हथियार और डंडा लेकर घूमते हुए उपद्रवी नजर भी आए हैं। प्रतिमा से छेड़छाड़ जो हुई है इस पर हिंदू संगठन नाराज है। नवागढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बलरामपुर की बात करेंगे जहां पर डीजल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। अनियंत्रित होकर यह डीजल से भरा हुआ टैंकर पलटा और जाहिर सी बात है कि डीजल इसमें से लीक होने लग गया और ये कितना ज्वलनशील होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने के लिए तैयार नहीं। हादसे के बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। कूली डूमर घाट में ये पूरा हादसा हुआ है और अगर कोई चिंगारी यहाँ भड़क जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग लूट के चक्कर में सब कुछ भूल गए। धमतरी में बिस्किट से भरे हुए ट्रक में ही आग लग गई और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने हालांकि बाद में आग को बुझा लिया। केरे गांव थाने के पास ये ट्रक में आग लगी थी, इसमें बिस्किट भरे हुए थे
और आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से उतारकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक की आग को वो काबू में नहीं कर पाया। ट्रक पूरी तरह से जल गया। वहीं कोरबा की बात करेंगे, जहां पर वार्ड बॉय ने मरीज को पीटा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज को ही पीट दिया गया। गंभीर हालत में मरीज अब निजी अस्पताल में रेफर है। मेडिकल कॉलेज में मरीज की पत्नी दरअसल गार्ड है। पीड़ित की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए। उधर धमतरी में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। कोर्ट परिसर से यह कैदी फरार हुआ है। यह हत्या का दोषी है। अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिता की ही हत्या का दोषी है। नाम है हेमलाल सोरी, जो फरार हो गया। इसकी तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया। बोराई थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई थी। पिता की ही हत्या का आरोपी है, लेकिन यह फरार हो गया। अब इसकी खोजबीन की जा रही है। सजा सुनाई गई थी, वह फरार हो गया पुलिस को चकमा दे करके। उसके लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है और थोड़े समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसको गिरफ्तार कर पाएंगे।